नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी, वर्क और ट्रेवल अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं पीआर और सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं, पीआर और सिटीजनशिप में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं और कौन सा इजी वे है, इजीएस्ट वे जिससे आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं शेंगेन कंट्रीज में, राइट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, बहुत सारे मेरे इंडियंस और पाकिस्तानी दोस्त यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो वो पूछते कि कौन सा इजी वे होता है। तो गाइस, देयर आर फोर वेज टू सेटल इन यूरोप। अब वो डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो गाइस, आप को या तो उस कंट्री में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी रहेगी या सेकेंड ऑप्शन रहेगा वहां पर आप कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि आप किसी भी वहां की सुंदर लड़की से शादी कर लिया, सुंदर लड़के से, तो वहां से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। थर्ड ऑप्शन रहेगा वर्क परमिट के बेस पर, आप वर्क वीजा लें एंड देन वहां के पीआर के लिए एप्लीकेशन करें। फोर्थ ऑप्शन रहेगा स्टडी वीजा लें एंड देन वहां के पीआर या सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करें। तो ये फोर वेज ही होते हैं जिनके थ्रू आप वहां पर सिटीजनशिप या पीआर ले सकते हैं। एंड गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ कि पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, तो गाइस एक क्विक कन्वर्सेशन कर लेते हैं इसी चीज पर। तो गाइस, पीआर और सिटीजनशिप दोनों ही अलग चीज है। पहली बात तो, पहला पीआर अगर आपके पास होता है, जिसे बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंसी, आप वहां पर रह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक कि आपका वो कार्ड, फॉर एग्जांपल चलिए बताता हूं मैं, तो पीआर में आपको गाइस कार्ड मिलता है, परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड जिसे बोलते हैं, जो कि 5 years तक वैलिड रहता है। ये कंट्री की वैलिडेशन पर डिपेंड करता है। और सिटीजनशिप में आपको डायरेक्ट वहां का पासपोर्ट मिल जाता है, ये बेनिफिट मिलता है आपको उसमें। सेकेंड, जब आपके पास पीआर होगा तो आप वोट नहीं कर सकते वहां पर, वेयर इज अगर आपके पास सिटीजनशिप होती है तो आप डेफिनेटली वोट कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस ये रहेगा कि देखिए, पीआर में आपकी गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वेयर इज अगर सिटीजनशिप आपके पास होती है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते। पीआर रहता है उसकी वैलिडिटी नियरली 5 years तक रहती है, वो भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, और सिटीजनशिप में ये लॉन्ग लाइफ टाइम रहता है। और जहां तक बात करूं ट्रेवल सिनेरियोस की, तो गाइस अगर आपको अपनी होम कंट्री में वापस आना है तो पीआर में आप इजीली आ सकते हैं, इंडिया का बता रहा हूं बेसिकली मैं। और अगर आपके पास सिटीजनशिप है उस कंट्री की, तो आपको अगर होम कंट्री इंडिया में आना है तो उसके लिए आपको सेपरेट वीजा लेना रहेगा। सो गाइस, पीआर लेने के भी अपने बेनिफिट्स होते ही हैं, उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, देन आप वहां पे बैंक्स में लोन ले सकते हैं, अदर एडवांटेजेस भी कहीं मिलते हैं, टैक्स एडवांटेज एंड एवरीथिंग, तो ये बेनिफिट आपको पीआर लेने में मिलते ही हैं। तो पीआर एंड सिटीजनशिप ऑलमोस्ट आप लोग सेम ही समझते होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट पीआर इज ऑल्सो बेटर। पीआर ही सबसे पहले आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क परमिट पे जाते हैं, स्टडी वीजा पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पीआर मिलेगा कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वहां पर रहने के बाद, एंड देन उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इटली की, तो वहां पर आपको 5 years स्टे करने के बाद वहां का पीआर मिल जाता है। और गाइस, जब हम लोग प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में सेटल होने की, तो वहां की हमें ये पॉलिसीज अगर आप जानना बहुत जरूरी, जो आपकी पीआर की होती हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है वहां पर रेसिडेंसी देने के लिए, तो उन कंट्रीज में हम लोग नहीं रह सकते। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें आप कौन कौन सी कंट्रीज में इजी तरीके से वहां का पीआर परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हैं। और गाइस, फाइनली आपको बता दूं मैं, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है अगर आपको किसी भी कंट्री में सेटल होना है, तो वो होता है गाइस स्टडी वीजा के बेस पर। क्यों, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें आप सबसे पहले क्या करिएगा, स्टूडेंट वीजा के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मास्टर डिग्री 2 years का, आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, फिर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड का जॉब सर्च वीजा मिलता है, उसका भी आप यूज कीजिए, 2 years प्लस 1 year का जॉब सर्च वीजा मान लीजिए, तो 3 years आपके यहाँ पर हो जाते हैं। देन उसके बाद आप उस जॉब सर्च वीजा में किसी भी कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे एंड देन उसके बाद आपको जॉब मिलती है, फिर आप जॉब को वर्क परमिट में, वर्क परमिट आपको मिल जाएगा वहां पर अप्लाई करने के बाद।
तो इस तरीके से आप यू नो 5 to 6 years आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे अगर इस वीजा पर जाते हो। और सबसे लीगली वे यही रहता है और इजिएस्ट वे भी यही रहता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही वहां पर यू नो पीआर लेते हैं। तो जब आप वर्क परमिट पे हो जाते हैं उसके बाद ही आपको पीआर मिलता है। यूरोप में पीआर लेने के बहुत फायदे हैं। ये फायदा ये है कि देखिए आपको 26 कंट्रीज का एक्सेस मिलता है। आप 26 कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इटली का भी पीआर है तो आप 26 कंट्रीज में कहीं पर भी जाकर वर्क कर सकते हैं। ये एक्सेस मिलता है अगर आपके पास इटली का या किसी भी शेंगेन कंट्री का पीआर हो, इवन लातविया लिथुआनिया का हो तो भी चलेगा। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको पीआर में। तो बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं गाइज, तो डिपेंड करता है वो। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब करना या लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।